नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम युवक भारती कक्षा 11वीं का पाठ नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसे पद्य विभाग से लिया गया है, जिस पाठ का नाम है 15 अगस्त। कवि का नाम है गिरिजा कुमार माथुर। सबसे पहले पढ़ते हैं कवि परिचय। गिरिजा कुमार माथुर जी का जन्म 22 अगस्त 1919 को अशोक नगर मध्य प्रदेश में हुआ। आपकी आरंभिक शिक्षा झांसी में तथा स्नातकोत्तर शिक्षा लखनऊ में हुई। आपने ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली तथा आकाशवाणी लखनऊ में सेवा प्रदान की। संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क में सूचना अधिकारी का पदभार भी संभाला। आपके काव्य में राष्ट्रीय चेतना के स्वर मुखरित होने के कारण प्रत्येक भारतीय के मन में जोश भर देते हैं। माथुर जी की मृत्यु 1994 में हुई। प्रमुख कृतियाँ मजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, जो बंद नहीं सका, साक्षी रहे वर्तमान, मैं वक्त के हूँ सामने, काव्य संग्रह आदि। काव्य प्रकार यह गीत विधा है, जिसमें एक मुखड़ा और दो या तीन अंतरे होते हैं। तो यहाँ पर मुखड़ा शब्द जो है उसका अर्थ जो है वो इस प्रकार है। गीत की शुरुआत जिन पहली दो पंक्तियों में होती है और वह पंक्तियाँ बार बार दोहराई जाती हैं, उसे मुखड़ा कहते हैं। तथा अंतरे शब्द का अर्थ है गीत के दो तीन पंक्तियों के बाद जो पंक्तियाँ आती हैं उन्हें अंतरे कहते हैं। इसमें परंपरागत भावों तथा शिल्प प्रस्तुत किया जाता है। कवि अपने कथ्य की अभिव्यक्ति हेतु प्रतीकों, बिंबों तथा उपमानों को लोक जीवन से लेकर उनका प्रयोग करता है। तार सप्तक के कवियों में अगे, मुक्तिबोध, प्रभाकर मांचवे, गिरिजा कुमार माथुर, नेमी चंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, रामविलास शर्मा का महत्वपूर्ण स्थान है। काव्य परिचय। प्रस्तुत गीत में कवि ने स्वतंत्रता के उत्साह होता है खुशी को अभिव्यक्त किया है। स्वतंत्रता के पश्चात विदेशी शासकों से मुक्ति का उल्लास देश में चारों ओर छलक रहा है। इस नव उल्लास मतलब नई खुशी के साथ साथ कवि देशवासियों और सैनिकों को सजग और जागरूक रहने का आह्वान कर रहा है। आह्वान करना, आमंत्रित करना। समस्त भारतवासियों का लक्ष्य यही होना चाहिए कि भारत की स्वतंत्रता पर अब कोई आंच ना आने पाए, क्योंकि दुखों की काली छाया अभी पूर्ण रूप से हटी नहीं है। जब शोषित, पीड़ित और मृत प्राय समाज का पुनरुत्थान होगा, तभी सही मायने में भारत आज़ाद कहलाएगा। 15 अगस्त कविता के माध्यम से कवि के कहने का अर्थ ये है कि भारत आज़ाद हो चुका है और लोगों में एक नई खुशी देखने को मिल रही है। लेकिन कवि ने यहाँ इस गीत में यह स्पष्ट किया है कि जब शोषित, पीड़ित और मृत समाज का नव निर्माण होगा, फिर से उत्थान होगा, तभी सही अर्थ में हम यह मानेंगे कि हमारा भारत जो है वो आज़ाद हो चुका है। तो अब हम पढ़ेंगे इस गीत की पंक्तियाँ। जीत की रात पहरुए सावधान रहना। पहरुए मतलब पहरेदार या देश की रक्षा करने वाले सिपाही। खुले देश के द्वार, द्वार मतलब मुख्य द्वार, दरवाज़ा। अचल अंचल दीप समान रहना। अंचल होता है जो स्थिर रहता है, एक जगह टिका हुआ रहता है। तो इन पंक्तियों में कवि ने कहने का अर्थ यह है कि आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना, मतलब आज भारत को आज़ादी प्राप्त हो चुकी है और आज़ादी प्राप्त करने के बाद आज उस जीत की पहली रात है। इस खुशी के अवसर पर
कवि जो है वो अपने वीर सिपाहियों को यह कह रहे हैं कि ऐसे समय में जबकि आज खुशी का माहौल है, लेकिन फिर भी देश की रक्षा करने वाले पहरेदारों को सावधान होकर रहना है। खुले देश के द्वार, आज देश के हर दरवाज़ा जो है वो क्या हो चुका है, खुल चुका है। मतलब हर देश जो है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी एक दीपक के समान हमें हमेशा जलते रहना है और सबको प्रकाशित करना है। जिस तरह से दीपक बिना विचलित हुए एक समान जलता हुआ प्रकाशित प्रकाश देता है, उसी तरह हमें भी विचलित हुए अपने देश की रक्षा करनी है। इन पंक्तियों में कवि के कहने का अर्थ ये है कि अब देश में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें अपने मार्ग से नहीं हटना है और हमें पूर्ण रूप से अपने देश की रक्षा करनी है। जिस तरह से दीपक एक जगह स्थिर रहकर हमेशा जलता रहता है और उस जगह को प्रकाशित करता है, उसी तरह से हमें भी अपने देश की रक्षा करनी है। अगली पंक्तियां हैं, प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर, इस जन मंथन से उठ आई पहली रतन हिलोर, अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सावली कोर, ले युग की पतवार बने अबुद महान रहना, पहरुए सावधान रहना। कवि कहता है कि आज़ादी के बाद हमने इस नए स्वर्ग की भूमि पर अपना पहला कदम रखा है और यह मंजिल का किनारा है। इस जन मंथन से जो हवाओं का झोंका आ रहा है, वह हवाओं का झोंका रतन के समान दिखाई अनमोल लगता है। अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, अभी हम अपने जीवन से पूर्ण रूप से मुक्त आज़ाद नहीं हुए हैं, अभी इसका मुक्त होना बाकी है, क्योंकि अभी तक छाया जो है बीते हुए समय की जो दुख की छाया थी उसका किनारा जो है वो अभी धुंधला सा दिखाई दे रहा है। ले युग की पतवार, पतवार होता है नाव खेने का साधन, नाव चलाने का साधन, बने अभुद महान रहना, अभुदी होता है समुद्र या सागर, पहरुए सावधान रहता। कवि इन पंक्तियों में कहता है कि हमें अपने मन को समुद्र की तरह गहराई और सतर्क रखना है। पहरुए पहरे देने वाले हमें कैसे रहना है, पहरुओं को सिपाहियों को सावधान रहना है, क्योंकि हमने अभी पहला ही चरण इस स्वर्ग जैसी धरती पर रखा है। अभी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें बहुत से संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमें सागर की तरह क्या बनना है, महान बनना है और सतर्क रहना है। अगली पंक्तियां हैं, विषम श्रृंखलाएं टूटी हैं, खुली समस्त दिशाएं, आज प्रभजन बनकर चलती युग बंदनी सीमा हवाएं, प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई ये सिमटी सीमाएं, आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं, उठता है तूफान इंदु तुम दीप्तिमान रहना, पहरुए सावधान रहना। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कठिन, विषम होता है कठिन, श्रृंखलाएं मतलब लड़ियां, कठिन परिस्थितियों की लड़ियां टूट गई हैं और उससे अब समस्त दिशाएं जो है वो क्या हो गई हैं, अपने आप खुलने लगी हैं। आज प्रभजन बनकर, प्रभजन होता है आंधी
या तूफान। युग बंधनी हवाएं, बंधनी मतलब बंधन में, के युगों से बंधन में पड़ी हुई हवाएं। आज तूफान बनकर जो कई युगों से हवाएं बंधी हुई थी, वह आज तेज गति से चल रही है। चिन्ह बन खड़ी हो गई ये सिमटी सीमाएं, जो किनारे सिमटे हुए हैं, सिमट गए हैं, उनके आगे आज प्रश्न चिन्ह जो है वो लग गया है, क्योंकि आज भी बहुत से देशों को अभी तक क्या बना हुआ है, खतरा जो है वो बना हुआ है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने अपने फायदे के लिए बहुत सी छोटी छोटी सीमाओं को बांट दिया था। ब्रिटिश शासन समाप्त हो रहा है, लेकिन लोगों में अभी तक आक्रोश जो है वो बना हुआ है। आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं, और आज जो पुराने सिंहासन थे उन सिंहासनों में की प्रतिमाएं जो थी, मूर्तियां जो थी, वो क्या हो रही हैं, टूट रही हैं। उठता है तूफान, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कोई तूफान जो है वो क्या हो रहा है, उठ रहा है। इंदु तुम दीप्तिमान रहना, इंदु होता है चांद, दीप्तिमान होता है प्रकाशमान। जिस तरह चांद कैसा रहता है, प्रकाशित रहता है, और चांद की चांदनी में ही व्यक्ति जो है वो क्या होता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, उसी तरह से मनुष्य को भी हर कठिन परिस्थिति में आगे बढ़ना है। पहरुए सावधान रहना, और पहरे देने वाले सिपाहियों को कवि कहता है कि तुम्हें हर परिस्थिति में अपने देश की रक्षा करनी है और सावधान रहना है। अगली पंक्तियां हैं, ऊंची हुई मशाल हमारी, आगे कठिन डगर है, शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है, शोषण से मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है, किंतु आ रही नई जिंदगी, यह विश्वास अमर है, जन गंगा में ज्वार लहर तुम प्रवाह मान रहना, पहरुए सावधान रहना। पंक्तियों में कवि ने कहा है कि ऊंची हुई मशाल हमारी, आगे कठिन डगर है, हमें अपनी मशाल को ऊंचा करके सतर्कता बढ़ानी है, क्योंकि हमारा आगे का रास्ता जो है वो बहुत कठिन है। शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। हमें आज़ादी प्राप्त हो गई और हमारे शत्रु जो थे वह हमारे रास्तों से हट चुके हैं, लेकिन आज भी हमें उनकी छाया से डर लगता है। मनुष्य ने पूर्ण रूप से आज तक स्वतंत्रता जो है वो प्राप्त नहीं की है, उसे उसके मन में अभी तक शत्रु का डर जो है वो समाया हुआ है। शोषण से मृत है समाज, कमज़ोर हमारा घर है। आज़ादी से पहले लोगों पर किए गया शोषण से हमारे समाज के लोग जो हैं वो मृत समान हो गए हैं, और आज उन्हें अपना ही घर जो है वो कमज़ोर दिखाई देता है, किंतु आ रही नई जिंदगी, यह विश्वास अमर है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी आज उनके मन में एक नया विश्वास जो है वो दिखाई दे रहा है, और यह नया विश्वास ये है कि अब वह लोग एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले हैं। जन गंगा में ज्वार, ज्वार होता है तूफान,
लहर तुम प्रवाहमान रहना। जिस तरह से सागर में कितना भी तूफान आए लेकिन लहरें जो हैं वो निरंतर आगे बढ़ती रहती हैं, उसी तरह से सामाजिक रूप से हमें कमज़ोर नहीं पड़ना है और सागर की लहरों की तरह हमें सावधान होकर निरंतर आगे बढ़ते जाना है, तभी हमें पूर्ण रूप से आज़ादी प्राप्त होगी। पहरुए सावधान रहना। ऐसी परिस्थितियों में पहरा देने वाले वीर सिपाहियों को अपने देश की रक्षा करते हुए सावधान रहना है। कविता में कवि नई खुशी के साथ साथ देशवासियों तथा सैनिकों को जागरूक रहने का आह्वान कर रहा है, क्योंकि समस्त भारतवासियों का लक्ष्य यही होना चाहिए कि भारत की स्वतंत्रता पर अब कोई भी आंच ना आने पाए। हमें अपने भारत की मिलकर सभी को क्या करनी है, रक्षा करनी है। यह कविता धूप के धान काव्य संग्रह से ली गई है। धन्यवाद।